हाय एवरीवन, आप लोग को स्वागत है न्यू वीडियो में। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि आज कुछ अलग वीडियो आप लोग के बीच लाया हूं। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो छत में बिना प्लास्टर किए हुए इसके ऊपर हम बाल पुट्टी आज करने वाले हैं। और ये प्लाई का जो प्लाई से ढलाई होता है, उसके बाद ये इस तरीके का सीलिंग आप लोग देख सकते हैं। चिकनाहट थोड़ा कुछ है, कुछ ख़राब है, इसको हम बाल पुट्टी और पीओपी दोनों से सही करेंगे। और बर्फ़ जहाँ जहाँ लगता है वहाँ ख़राब है। चलिए बाल पुट्टी बनाने के लिए सिखाते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिरला वाइट बाल पुट्टी हम लोग मंगाए हैं। 40 का ये पैक है। अभी ये मार्केट में 720 यही में मिल रहा है। उसके बाद इसको देखिए, हम लोग बाल पुट्टी एक छोटा सा बाल्टी ले लिया हूँ, उसमें पानी है 2 लीटर लमसम। उसके बाद बाल पुट्टी हाथों से दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये पीओपी जो बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोई भी कंपनी का हो, 3 ही इस पुट्टी देते हैं। तो 2 मुट्ठी हम लोग इसमें पीओपी मिक्स करके देख रहे हैं, दे रहे हैं पीओपी। गाइस, 2 मुट्ठी मात्र हम लोग पीओपी दे रहे हैं ये बाल्टी में। पुट्टी भी हम लोग दिए हैं। उसके बाद जो मशीन बोलते हैं, हम लोग मशीन से मिला रहे हैं। और आप लोग को जो भी सुविधा होगा, हाथ से या डंडा पैना जो भी बोल सकते हैं उससे मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन है इसलिए हम लोग देख सकते हैं। मशीन द्वारा इसको मिक्स कर रहे हूँ और इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को भी आगे दिखाऊंगा दोस्तों। उसके बाद देखिए साइडर थोड़ा सा जो लग जाता है बाल्टी में, उसको पत्ती से अच्छी तरीके से काच लेना है कि ताकि और अच्छी तरीके से जो पुट्टी सूखा हुआ रहता है वो मिक्स किया जा सकता है। और ये देखिए, ये दोस्तों ये बनकर तैयार हो चुका है। पुट्टी और पीओपी दोनों बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद देखिए छत आप लोग को दिखाते हैं। जहाँ जहाँ ख़राब है छत दोस्तों, उसको पहले नंबर छेनी हथौड़ी जो बोलते हैं, छेनी हथौड़ी से आप लोग को तोड़ लेना है। जहाँ ऊँचा रहेगा या ग्लेंडर मशीन होगा तो उसे भी व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग छेनी हथौड़ी से ही इसको तोड़कर सही कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ खराब है दोस्तों, वहाँ सबसे पहले हम लोग मार रहे हैं। लेकिन यही खास बात है कि पीओपी और पुट्टी मिक्स करके मारते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा हो जाता है सीलिंग। जहाँ ऊँची नीचे जाता है वहाँ पर 2 बार 3 बार बाल पुट्टी मारते हैं और मिक्स करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से छेनी हथौड़ी से तोड़ रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए तोड़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ ऊँचा है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से। थोड़ा सा हाथ दुख जाता है इसलिए रुक रुक कर तोड़ा जा रहा है। और देखिए तोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा झाड़ू से हम लोग झाड़ देंगे, जो बालू रहेगा वो निकल जाएगा छत में। ये देखिए मिक्स यानी तोड़ दिया हूँ। उसके बाद ये देखिए जो बल्ब यहाँ देखिए लगाने वाला है, बल्ब यहाँ लगता है सीलिंग में, यहाँ पर बिजली वाला थोड़ा ज़्यादा तोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमको गोल बनाना है बढ़िया से, क्योंकि इसमें एलईडी बल्ब जो लगता है सीलिंग में वो लगाया जाएगा। और ये देखिए हम अभी देखिए इसको अच्छी तरीके से एकदम गोल जो बोलते हैं वो हम लोग इसको पीओपी और पुट्टी दोनों मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको तैयार कर देंगे। ये देखिए आपको नज़र के सामने गाइस रहेगा और आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से अंगली से भी थोड़ा सा गोल बनाना है पीओपी पुट्टी मिक्स करने के बाद। ये देखिए इसी तरीके से दोस्तों फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि ये छत का जो बल्ब लगता है वो कितनी अच्छी तरीके से हम लोग के साथ दिख रहा था और कैसा हम लोग बना दिया हूँ। और ये देखिए छत सबसे पहले नंबर आप लोग को जिसे सुविधा होगा, लंबा पत्ती चलाना होगा तो लंबा चला सकते हैं या पट, दोनों में कोई किसी भी तरीके से आप लोग खींच सकते हैं। और ये देखिए पुट्टी सिर्फ सफ़ेद होता है। उसके बाद देखिए हम लोग बाल पुट्टी और पीओपी दोनों मिक्स करके मार रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्लाई का छत था इसी के कारण, क्योंकि ऊंचा नीचा नहीं रह सकता, इसलिए ये एक बराबर किया जा सकता है दोस्तों। और आप लोग फाइनली यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन में ऐसा ही वीडियो आप लोग को बीच लाता रहूँगा। और फेसबुक पेज पर देखते होंगे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा गाइस। और ये देखिए इसी प्रकार से हम लोग पूरा छत को कवर करेंगे एक राउंड, और जहाँ जहाँ ख़राब रहेगा वहाँ भी कवर करेंगे 2 राउंड दोस्तों, 1-2 ऐसे ही करके। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को एक ही राउंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर फिर बाल पुट्टी सिर्फ 1 कोट मारेंगे फिर से।
ये पीओपी मिक्स पुट्टी दोनों मिक्स करके कर रहा हूँ। उसके बाद फिर सेकेंड कोट में जो बोला जाता है पाल पुट्टी ही इसके ऊपर किया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens. Guys, आप लोग देख सकते हैं कि तीन कोना ये सीलिंग हो चुका है और ये लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से हम लोग ये खींच रहा हूँ बलपुट्टी। इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सूखने के लिए फिर देना है। उसके बाद दो राउंड हम लोग को करना है। जहाँ जहाँ ख़राब रहेगा उसको फिर अच्छी तरीके से हम लोग को मरम्मत कर लेना है गाय से, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा सूखने के बाद थोड़ा सा खींच लेता है पुट्टी को। इसलिए जहाँ जहाँ ख़राब दिखेगा वहाँ पर देखिए हम लोग फिर थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, क्योंकि सीलिंग अच्छी तरीके से कवर कर चुका है बाल पुट्टी पीओपी मिक्स करने के बाद। ये देखिए सीलिंग में प्लास्टर नहीं कराइए, वही बेटर रहेगा प्लाई का ढलैया का दोस्तों। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सीलिंग दिख रहा है दोस्तों। और ये फाइनल हो चुका है। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। और ये देखिए जहाँ जहाँ थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था वहाँ वहाँ फिर थोड़ा सा हम लोग दोबारा पुट्टी चला रहा हूँ। ये देखिए उसके बाद फिर इसके ऊपर बाल पुट्टी करेंगे, वो तो आप लोग फिर कर ही लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली इस रूम का बल पुट्टी सीलिंग यानी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।